नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उगते सूर्य के अर्घ के साथ समाप्त होगा महापर्व। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श करें प्राप्त। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी बनेंगे बिहार पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। जल संरक्षण को लेकर बिहार सरकार का फैसला। आईपीएल में एमएस धोनी के 15 साल पूरे होने पर वीडियो हुआ लॉन्च। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SAIL ने 244 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी, टेक असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, माइनिंग फोरमैन समेत कई पदों पर भर्ती के लिए कुल 244 रिक्तियों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न शैक्षणिक योग्यता है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सेल की आधिकारिक वेबसाइट SAIL.careers.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तारीख 15 अप्रैल 2023 तक है। उगते सूर्य के अर्घ के साथ समाप्त होगा महापर्व। 25 मार्च से नहाए खाए के साथ शुरू हुए चैती छठ आज यानी कि 28 मार्च को उगते सूर्य को जल अर्पित करने के साथ समाप्त हो जाएगी। इस दौरान महिलाओं के द्वारा छठ माता के गीत, भजन, कीर्तन आदि किया जाएगा। बता दें कि आज के दिन व्रती के द्वारा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत का उपवास फलाहार के साथ खत्म करेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महापर्व के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। मालूम हो कि इससे पहले यानी कि बीते दिन शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया था और फिर आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। मालूम हो कि ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी मैया के पूजन से व्यक्ति को संतान, सुख और मनोवांछित फल मिलता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे SH बिहारी के बारे में। शमसुल हुदा बिहारी हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे। 1960 के दशक में संगीतकार OP नैयर के साथ जुड़कर इन्होंने रातों की चोरी चोरी, बोले मोड़ा, कंगना, आज कोई प्यार से, दिल की बात कह गया, मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे जमाना रह गया, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, जैसे सदाबहार गीत फिल्मी जगत को दिए, जिसे आज भी याद किया जाता है। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू में रचनाएं भी की हैं। 2006 में कवि, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने बिहारी को एक रोल मॉडल के रूप में उद्धृत किया। उन्हें माइंड ब्लोइंग कवि, जिसे आज कोई याद नहीं करता है, के रूप में वर्णित किया गया। उनका मानना था कि जिस तरह जिंदगी में मुश्किलात है, वैसे ही हालात फिल्मी दुनिया की भी है। SH बिहारी को लिखने, पढ़ने और शायरी का शौक भी था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श करें प्राप्त। वैसे लोग जो किसी कारण से अस्पताल जाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों की परेशानियों को देखते हुए एक नया कदम उठाया गया है, जिसके तहत अब आप सभी घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अब चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करने के लिए आपको बार बार अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने फोन में ई संजीवनी ओपीडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और फिर अपने मोबाइल नंबर को सत्यापित कर नए रोगी का पंजीकरण कर टोकन प्राप्त कर नोटिफिकेशन प्राप्त होने पर लॉगिन करें और फिर चिकित्सकीय परामर्श के बाद ई प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर ले। बता दें कि इस ऐप की मदद से आप सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं। नीरा के क्षेत्र में 16,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में शराबबंदी किए जाने के बाद सरकार के द्वारा पेड़ से नीरा उतारकर लोगों को पिलाने की योजना को अब धीरे धीरे धरातल पर लाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इसी के तहत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में नीरा का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना किया जाएगा। यानी कि अब नीरा उत्पादन 46 लाख लीटर से बढ़कर 1,03,09,400 लीटर नीरा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि नीरा उत्पादन से सरकार के द्वारा राज्य के लगभग 16,000 लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा, जो पेड़ों से नीरा उतारने का काम करेंगे। मालूम हो कि नीरा तैयार करने के लिए संग्रहण का प्रशिक्षण जीविका की ओर से दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीरा किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं होती, बल्कि ये पेट संबंधी कई बीमारियों में कारगर है। इसके साथ ही नीरा से नशा भी नहीं होता। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी बनेंगे बिहार पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर।
बिहार के पर्यटन को और भी बढ़ावा मिल सके इसके लिए बिहार सरकार की ओर से नई योजना लाई जा रही है, जिसके तहत अब बिहार के पर्यटकीय स्थलों की ब्रांडिंग बिहार के नामचीन हस्तियों के द्वारा की जाएगी। बता दें कि इसके लिए बिहार पर्यटन विभाग की ओर से देश दुनिया में काम कर रहे बिहारी कलाकारों को पत्र भेजा जा चुका है, जिनमें फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नीतू चंद्रा, पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल, गणितज्ञ आनंद कुमार, गायिका मैथिली ठाकुर समेत कुछ हस्तियों के नाम शामिल है। मालूम हो कि इन सभी हस्तियों में से मैथिली ठाकुर और गणितज्ञ आनंद कुमार के द्वारा बिहार के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग करने पर सहमति दे दी गई है, वहीं बाकी हस्तियों के सहमति का इंतजार है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के 5 नियमों में होगा बदलाव। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यानी कि 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के 5 बड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। बता दें कि 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के जिन नियमों में बदलाव होने वाला है उनमें ईपीएफ से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा, यानी कि अगर आप सालाना 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो 50,000 पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपकी टैक्स स्लैब की दर से टैक्स लगेगा। दूसरा बदलाव, आईटीआर फाइल नहीं करने पर 2x TDS देना होगा, यानी कि नए नियम के अनुसार 1 जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCL दरें 10 से 20% होंगी, जो कि आमतौर पर 5 से 10% होती हैं। तीसरा नियम जिसमें बदलाव होने वाला है वह इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को प्रीफिल्ड आईटीआर फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा नियम, LTS कैश वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएगी। पांचवा नियम, 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर फाइल नहीं करना होगा। YouTube चैनल पर नीतीश सरकार का जवाब। बीते दिन बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा के सवाल पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जवाब देते हुए यह साफ कर दिया गया है कि आगे वेब पोर्टल को छोड़कर YouTube या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को विज्ञापन नहीं दिया जाएगा और साथ ही इनके लिए कोई कैटेगरी बनाने के प्रस्ताव पर भी कोई विचाराधीन नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि अखबार, टीवी एवं वेब मीडिया समाचार संकलन, संप्रेषण एवं प्रसारण के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इनके लिए दर की गणना का आधार भी अलग अलग है। बिहार सरकार भारत सरकार के DAVP रेट के दर को ही ऐप अडॉप्ट किया है। अखबारों की कैटेगरी उसकी प्रसार संख्या के आधार पर DAVP द्वारा निर्धारित की जा रही है, जबकि डिजिटल मीडिया के लिए DAVP की दर यूनिक यूजर के आधार पर तय की जाती है। वहीं सरकार ने यह भी बताया है कि वेब पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, जबकि यूट्यूब के लिए किसी तरह की कोई अर्हता अनिवार्य नहीं होती। कोई भी व्यक्ति यूट्यूब चैनल बना सकता है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे हथुआ राजमहल के बारे में। हथुआ राजमहल गोपालगंज में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यह एक सुंदर महल है। यह महल गोपालगंज में हथुआ में स्थित है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सुंदर किला देखने के लिए मिलता है। किला के सामने गार्डन बना हुआ है। इस किले का अपना एक इतिहास रहा है जिसे आप यहां पर आकर जान सकते हैं। गोपालगंज में हथुआ की विरासत ऐतिहासिक महल में अग्रणी व्यवसायों में से एक है। यह महल पर्यटकों के आकर्षण, ऐतिहासिक महल और बहुत कुछ के ये भी जाना जाता है। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित हथुआ राज के राज परिवार ने अपने महल को केवल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसकी छत पर अपशगुनी गिद्ध बैठ गया था। वर्तमान में महल में राजवंश की रानी पूनम शाही बीएड कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां पर नौजवान भारत की भावी पीढ़ी को गढ़ने की शिक्षा लेते हैं। ये है बिहार का नंबर 1 सरकारी अस्पताल। राज्य के सभी सदर अस्पतालों की गुणवत्ता मूल्यांकन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य टीम के द्वारा 8 बिंदुओं पर जांच की गई और फिर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। बता दें कि जारी किए गए इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का नंबर 1 अस्पताल 86% अंकों के साथ बेगूसराय सदर अस्पताल को है। बता दें कि यह तीसरी बार है जब बेगूसराय सदर अस्पताल को राज्य में नंबर 1 अस्पताल के रूप में चयनित किया गया है, जिसके लिए अब बेगूसराय सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा और साथ ही अस्पताल को 50 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। बता दें कि बेगूसराय सदर अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि अब बेगूसराय सदर अस्पताल को इनक्वास टेस्ट में नंबर 1 बनकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी है, इसके लिए तैयारियां की जा रही है। अब बिना सीढ़ी चढ़े गया के प्रेत शिला पर करे पिंडदान। मोक्ष नगरी गया में पिंड वेदी प्रेत शिला पर्वत पर अब लोगों को अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए सीढ़ी चढ़ने की परेशानी नहीं सहनी होगी। दरअसल प्रेत शिला पर्वत की ऊंचाई तकरीबन 998 मीटर है, जिस पर बनाई गई सीढ़ियों की संख्या 676 है। ऐसे में लोगों को पिंडदान करने के लिए इन 676 सीढ़ियों को पार करके पहाड़ की चोटी पर पहुंचना होता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार की ओर से प्रेत शिला
पर्वत पर चढ़ने के लिए 7,39,98,000 रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण करवाया जाएगा। बता दें कि इस रोपवे के निर्माण की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के एक कंपनी रोपवे एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी गई है। वहीं इस काम को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2023 के दिसंबर तक रखा गया है, यानी कि श्रद्धालु अगले वर्ष रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज शाम जारी हो सकता है बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों का इंतजार शायद आज शाम खत्म हो सकता है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आज यानी कि 28 मार्च की शाम को बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन टॉप 10 के लिए छात्रों के इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज शाम रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार बोर्ड मैट्रिक 2023 का परीक्षा दिया है, वो रिजल्ट जारी होने के बाद अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। एयरपोर्ट के निर्माण विस्तार और सुरक्षा पर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ के द्वारा राज्य में एयरपोर्ट के स्थापित करने, विकास, विस्तार और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि वे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3 एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट के संबंध में हलफनामा दायर करे। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि वे बताएं कि अब तक राज्य में नए एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले पर क्या क्या कार्रवाई की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब इस मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जाएगी। बिहार में तस्कर ने अपनाया शराब तस्करी का नया तरीका। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के द्वारा आए दिन किसी न किसी तस्कर को गिरफ्तार किया जाता है। बता दें कि ताजा मामला नालंदा और गया का है, जहां लेहरी थाना पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर नालंदा रामचंद्रपुर टंकी के समीप एक मकान में छापेमारी कर 169 बोतल विदेशी शराब और 3 तस्कर समेत 4 बाइक को बरामद किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान रवि कुमार, राजू कुमार और अमित कुमार के रूप में की गई है। वहीं दूसरा मामला गया का है, जहां एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एम्बुलेंस में मौजूद ताबूत से 240 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई है और साथ ही 2 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा एम्बुलेंस को भी जब्त कर लिया गया है और अभी फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। बिहार को इस बार लू से मिलेगी राहत। बिहार में पिछले 12 सालों से मौसम के ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 साल लू चलने के बाद तीसरे साल बारिश और ठंड तेज हवाओं से औसत तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसी वजह से इस साल भी बिहार में लू चलने के कम आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट का असर मई तक रहेगा। जून से मानसून शुरू हो जाएगा, इसके बाद बारिश का प्रभाव दिखाई देगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक ट्रफ लाइन जो बिहार से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक था, अब दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से होकर मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठा वाडा एवं आंतरिक कर्नाटक तक बना हुआ है। इसके प्रभाव से कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश तो होगी, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। जल संरक्षण को लेकर बिहार सरकार का फैसला। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य में जल संरक्षण को लेकर एक नया फैसला लिया गया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के 2,865 सरकारी कन्या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में जल जीवन हरियाली के तहत बारिश के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए सहेजा जाएगा। इसके लिए स्कूली हैंडपंप नलकूप को हमेशा रखा जाएगा। बता दें कि इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से 20.80 करोड़ की राशि देने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल को 80,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे, ताकि इस राशि की मदद से स्कूलों के द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भौतिक संरचना का निर्माण करवाया जा सके। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। राज्य सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि बीते दिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले सीबीआई के द्वारा नोटिस जारी करने को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का मामला पहले से न्यायालय में लंबित है। बता दें कि फिलहाल लालू यादव चारा घोटाला के 2 मामलों में बेल पर बाहर है। ऐसे में सीबीआई के द्वारा बेल रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी। बता दें कि फिलहाल लालू किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली में हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने किया पद ग्रहण।
बीते दिन बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी के दफ्तर में अपना पद ग्रहण किया। बता दें कि सम्राट चौधरी को निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा पदभार ग्रहण करवाया गया है। मालूम हो कि बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्राट चौधरी का भव्य रूप से स्वागत किया गया। सबसे पहले सम्राट चौधरी के द्वारा पार्टी कार्यालय में मौजूद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में निवर्तमान अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी नेता राधार मोहन समेत कई गणमान्य लोग और तमाम भाजपा विधायक, एमएलसी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार का नाम भी अब लेने में शर्म आता है। बिहार में नीतीश कुमार को हटा दीजिए और किसी मंडल या भाजपा के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि वे नीतीश कुमार से बेहतर काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने पत्नी और बेटी के साथ शेयर की प्यारी तस्वीर। बीते दिन बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बेटी के पिता बन गए हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट शेयर करके दी गई थी। वहीं उन्होंने एक बार फिर से एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो अपनी पत्नी राजश्री यादव और बेटी के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस तस्वीर को शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा है, खूबसूरत अवर्णनीय एहसास। मालूम हो कि लालू यादव के अन्य सदस्यों के द्वारा भी अपनी खुशी को जाहिर किया गया है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा ट्वीट कर कहा गया है कि नवरात्र के इस पावन अवसर पर हमारे परिवार में नए सदस्य का आना इस बात का शुभ संकेत है कि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ने अपना आशीर्वाद दिया है। अब सारी परेशानियां जल्द दूर होंगी। मेरे अर्जुन को पुत्री धन प्राप्ति पर ढेरों बधाई। गठबंधन को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। बीते दिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान सारण जिले के मढ़ौरा में प्रेस को संबोधित करते हुए गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी पार्टी नहीं बनी है, लेकिन पार्टी बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी जनसुराज दल का गठन होता है तो कभी गठबंधन की राजनीति में हमारी पार्टी नहीं जाएगी और अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर बिहार में व्यवस्था खड़ी करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि अगर बिहार के लोगों ने उनकी बात समझ ली तो वो चुनाव में इतनी सीट जीतेंगे जिसे गिनना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं तो एक भी सीट उन्हें नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं बल्कि बिहार की जनता की पार्टी होगी, इसलिए जीत और हार दोनों बिहार की जनता की ही होगी। मांझी ने सीएम नीतीश को नोबेल प्राइज देने की उठाई मांग। बीते दिन बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि हम भी मांग करते हैं कि नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मेरे से पहले कुछ सदस्यों के द्वारा भी मांग की गई है, इसलिए यह मैं भी चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार एक बीमारू राज्य था, लेकिन नीतीश कुमार बिहार को उससे बाहर निकाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शायद उस तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं गया होगा, यदि उस स्थान पर ध्यान दिया जाएगा तो बिहार का यह काल स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा। बता दें कि इससे पहले सीएम नीतीश को नोबेल पुरस्कार देने की मांग मंत्री संजय झा के द्वारा की गई थी। आईपीएल में एमएस धोनी के 15 साल पूरे होने पर वीडियो हुआ लॉन्च। आईपीएल 2023 की शुरुआत 31 मार्च से होने वाली है। ऐसे में सभी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर खेलते हुए देखने के लिए काफी उत्सुक है। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का आईपीएल उनका अंतिम आईपीएल होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल में 15 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में उनके इस पल को खास बनाने के लिए प्रसारणकर्ता चैनल के द्वारा एक वीडियो लॉन्च किया गया है जिसमें माही के वे फैंस नजर आ रहे हैं जो सुनने में असमर्थ हैं। बता दें कि इस वीडियो में माही के फैंस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मालूम हो कि इस वीडियो को सबटाइटल के साथ लॉन्च किया गया है ताकि सुनने में असमर्थ दर्शक भी इस वीडियो का मजा ले सके। स्टार स्पोर्ट्स द्वारा सोशल मीडिया पर लॉन्च किए गए इस वीडियो को लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। अकबर ने मालवा की राजधानी सारंगपुर पर 1561 में हमला कर बाज बहादुर को हरा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 में नजरबंदी से बचकर बर्लिन पहुंचे। मोरारजी देसाई ने 1977 में भारत में सरकार बनाई। सायना नेहवाल 2015 में दुनिया की नंबर एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। गणितज्ञ हिंदी विश्वकोश के संपादक तथा हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के बहु प्रतिभ लेखक गोरख प्रसाद का 1896 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री सोनिया अग्रवाल का 1982 में जन्म हुआ। सन 1552 में सिखों के दूसरे गुरु को गुरु अंगद देव का निधन हुआ। सन 1941 में भारतीय पुलिस आयुक्त का कावासजी चमसेजी पेटीगाड़ा निधन हुआ। सन 1943 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता एस सत्यमूर्ति का निधन हुआ। आज के दिन को राष्ट्रीय नौवहन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
वायरल खबर में आज हम बात करेंगे मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक व्हाट्सएप संदेश में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार सभी उपयोगकर्ता को मुफ्त मोबाइल रिचार्ज योजना के तहत 28 दिनों के लिए 239 का रिचार्ज करने की पेशकश कर रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये दावा फर्जी है, भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इंस्टाग्राम के फालतू मैसेज और नोटिफिकेशन को ऐसे करें बंद। इंस्टाग्राम अपने यूजर के लिए आए दिन नया अपडेट लेकर आते रहता है। बता दें कि अब इंस्टाग्राम एक ऐसा फीचर लेकर आया है जिसके इस्तेमाल से आप इंस्टाग्राम पर आने वाले फालतू मैसेज और नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। बता दें कि इस फीचर का नाम क्वाइट मोड है। इस फीचर को अपने फोन में शुरू करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में इंस्टाग्राम खोले और फिर अपनी प्रोफाइल इमेज पर टैप करे। इसके बाद टॉप कोने में तीन डॉट को टैप करे, फिर सेटिंग पर क्लिक करे, उसके बाद क्वाइट मोड पर क्लिक करे और फिर उसे चालू करने के लिए स्विच को टॉगल करे और फिर क्वाइट मोड को बंद करने के लिए बस स्विच को फिर से टॉगल कर दे। बता दें कि साइलेंट मोड का इस्तेमाल 12 घंटे तक किया जा सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सोनू कुमार गुप्ता, रंजीत सिंह, विपिन लाल वर्मा, कुमार अमरेश, शंकर मुखिया, कुमारी संजना, बाबू राम सिंह, रविशंकर, अमोद कुमार, गुड्डू सिंह, नौशद अंसारी, रियाज अली, मोहम्मद सकीर हुसैन, दिग्विजय ठाकुर, धर्मराज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आईपीएल 2023 में कौन सी टीम सबसे मजबूत लग रही है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।